वेलकम दोस्तों, सभी का मेरा चैनल कानून की आवाज़ में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों गर्लफ्रेंड के साथ होटल में ठहरने पर पुलिस करे परेशान तो ले कानूनी एक्शन, कानून क्या कार्रवाई कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट का कहना है कि अनमेरिड कपल को एक साथ होटल में रहने और आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बनाने का मौलिक अधिकार है। हालांकि दोनों का बालिक होना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट साफ कर चुका है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले मौलिक अधिकार में अपनी मर्जी से किसी के साथ रहने का अधिकार भी है और ये अधिकार उनको मिलना चाहिए। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है और क्या नहीं कहा ये भी आगे देखें। अनमेरिड कपल को होटल से गिरफ्तार नहीं कर सकती पुलिस। अनमेरिड कपल को अपनी मर्जी से होटल में ठहरने का अधिकार है, ये मौलिक अधिकार सभी को मिला हुआ है। दोस्त अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ किसी होटल में ठहरे और पुलिस आपसे पूछताछ करती है या करने आती है तो आप घबराने की ज़रूरत नहीं। अनमेरिड कपल का होटल में एक साथ रहना कोई जुर्म नहीं है, लिहाजा पुलिस को। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति होटल में रहता है तो उसको जुर्म नहीं माना जाएगा। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट का कहना है कि अनमेरिड कपल को एक साथ होटल में रहने आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बनाने का मौलिक अधिकार है। हालांकि इसके लिए शर्त यह है कि दोनों बालिग होना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट साफ कर चुका है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले मौलिक अधिकार में अपनी मर्जी से किसी के साथ रहने और शारीरिक संबंध बनाने का अधिकार आता है। इसके लिए शादी के बंधन में जरूरी नहीं है। कहने का मतलब यह कि शादीशुदा व्यक्ति ही नहीं ठहर सकता, कोई भी व्यक्ति अपनी गर्लफ्रेंड या दोस्त के साथ होटल में ठहर सकता है। इसी के साथ इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई कपल बिना शादी के किसी होटल के साथ होटल में एक साथ रहते हैं तो ये उनका मौलिक अधिकार है। सीनियर अधिवक्ता का कहना है कि अगर होटल में ठहरने के दौरान अनमेरिड कपल को पुलिस परेशान करती है या फिर गिरफ्तार करती है तो ये उनके मौलिक अधिकारों का हनन माना जाएगा। पुलिस इस कार्रवाई के खिलाफ कपल संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट या अनुच्छेद 226 के तहत सीधे हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। अगर पुलिस आपको इसे परेशान करे तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, पुलिस के खिलाफ आप एक्शन ले सकते हैं दोस्तों। और इसी के साथ आगे सीनियर पुलिस अधिकारी से भी आप शिकायत कर सकते हैं। अगर पुलिस थाना अधिकारी या पुलिसकर्मी आपको परेशान करे तो आप सीनियर अधिकारी से भी शिकायत कर सकते हैं या मानव अधिकार आयोग में भी शिकायत कर सकते हैं। क्योंकि गर्ग के मुताबिक होटल में ठहरे अनमेरिड कपल को तंग करने वाले पुलिस कर्मी के खिलाफ जिले के पुलिस अधीक्षक या ऊपर से पुलिस अधिकारी से भी शिकायत की जा सकती है। इसके अलावा पीड़ित कपल के पास मानव अधिकार आयोग में शिकायत करने का भी विकल्प है। क्यों अगर कोई पुलिस अधिकारी परेशान करे या पुलिसकर्मी परेशान करे तो मानव अधिकार आयोग में भी जा सकते हैं, उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसी के साथ ये भी कहना है कि एक सवाल के जवाब में एडवोकेट सीनियर का कि टोटल किसी अनमेरिड कपल को इस आधार पर ठहरने से नहीं रोक सकता या नहीं रोका जा सकता कि दोनों शादीशुदा है। अगर होटल ऐसा करता है तो ये मौलिक अधिकार का हनन माना जाएगा। इसका मतलब ये है कि अनमेरिड कपल होटल के किराए का भुगतान करके आराम से वहाँ ठहर सकते हैं। इसके अलावा इंडियन होटल इंडस्ट्री की शीर्ष संस्था एक सवाल के जवाब में सीनियर एडवोकेट का कहना कि होटल में अनमेरिड को आधार पर ठहरने से रोक नहीं सकता, एसोसिएशन दोनों शादीशुदा नहीं हो तो अगर ऐसा होता है तो उसके मौलिक अधिकार का हनन होता है। इसलिए दोस्तों कोई भी अगर अनमेरिड व्यक्ति है तो वो भी होटल में ठहर सकता है, ये कोई कानून नहीं है कि नहीं ठहर सकता। इसी के साथ साथ होटल में छापामारी क्यों करती है पुलिस? पुलिस किसी भी अनमेरिड कपल को गिरफ्तार करने या तंग करने के लिए होटल में छापामारी नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट विनय कुमार गर्ग का कहना है कि हिंदुस्तान में वेश्यावृत्ति अपराध माना जाता है लेकिन पुलिस ऐसी वेश्यावृत्ति के खिलाफ है फिर किसी अपराधी के छिपे होने की आशंका पर ही होटल में छापामारी कर सकती है कि अन्यथा होटल मालिक को भी परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि उनको ये लगे कि इनमें वेश्यावृत्ति चल रही है, वेश्यावृत्ति का धंधा चल रहा है तो वो छापामारी कर सकती है। अगर कोई ऐसा कपल वहाँ पाया जाता है तो उनको परेशान नहीं कर सकती पुलिस, अगर करती है तो मानव अधिकार आयोग में उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, ये कानून में लिखा हुआ है दोस्तों। इसी के साथ साथ अगर कोई अनमेरिड कपल होटल में ठहरा है और पुलिस छापामारी के दौरान उनके पास आती है तो ऐसा कपल को घबराने की जरूरत नहीं कि पुलिस को मांग पर ऐसे कपल को अपने पहचान पत्र यानी आईडी कार्ड भी दिखाना होगा ताकि ये साबित हो सके कि दोनों आपसी सहमति से होटल में ठहरे हुए और किसी की तरह की वेश्यावृत्ति में शामिल नहीं, क्योंकि यह आम चीज़ है कि अगर पुलिस तफ्तीश करने आती है तो अपनों को बताना पड़ेगा कि दोनों व्यक्ति अपनी मर्जी से ठहरे हुए, इनकी कोई शिकायत नहीं है, नहीं कोई ऐसी वर्ती में शामिल है। ये हर नॉर्मल चीज़ होती है दोस्तों, क्योंकि उनको आईडी कार्ड पहचान पत्र आदि दिखाना होगा कि हम इसमें यहाँ आराम करने की वजह रुके या दोनों हम दोस्त हैं इस वजह से हम रुके, ऐसी कोई
चीज़ नहीं है, इस पर पुलिस को संतुष्ट करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें मांगी जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने दोस्तों की मदद करें जो ऐसे दोस्त है, गर्लफ्रेंड,